Hello friends, today we are going to study about our next topic is dew point temperature. इसके पहले की वीडियोस के अंदर हमने देखा था anomalous behavior of water. अगर हम anomalous behavior of water के बारे में अगर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो हमने ये देखा था कि anomalous behavior of water जो एक सर्टन टेम्परेचर के ऊपर आपको जो शो करता है वो 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये अपने को इतने टेम्परेचर पे ही anomalous behavior of water शो करता है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास है ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर देखने के पहले हम एक चीज समझते हैं. तो सबसे पहली चीज हमारे पास ये रहेगी कि अगर हम एयर के बारे में अगर देखते हैं कि एयर क्या करता है कि ये हमेशा वाटर वेपर को ये क्या करेगा, हमेशा वाटर वेपर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. क्या करेगा, ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा. अब आप ये बोलेंगे कि एयर किस तरह से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, तो एक हम सिंपल एक जनरल एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल में ये है कि अगर हमारे पास एक वेट कॉटन है, ओके वेट कॉटन जो हमारे पास एक गीला कॉटन है, अगर हम उसको फैन के नीचे अगर रखते हैं तो फैन के नीचे रखने पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास वेट कॉटन है ये ड्राई कॉटन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. कौन से कॉटन के अंदर कन्वर्ट हुए, ड्राई कॉटन के अंदर. तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वेट कॉटन ड्राई कॉटन के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फैन के नीचे जो प्रेजेंट है ये सबके सब एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और उसी एयर के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया कि जितना भी वाटर वेपर जितना भी वाटर वहां पर कॉटन के अंदर प्रेजेंट था उसको सबको उसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया. अब तो बात समझ में आ गई ना हमारे कि एयर क्या करता है कि ये वाटर वेपर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एयर जो है वो वाटर वेपर को किस तरह से एब्जॉर्ब करता है. उसी के बेस पर हमारे पास एयर को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया. अब दो टाइप में हमारे पास जो एयर क्लासिफाई किया गया उसके बारे में हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास एयर है वो दो टाइप के अंदर क्लासिफाई है. नंबर वन टाइप हम देखेंगे कि अनसैचुरेटेड एयर, और जो सेकंड टाइप हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारे पास सैचुरेटेड. अब आप ये बोलेंगे कि सैचुरेटेड एयर में और अनसैचुरेटेड एयर में डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस भी हम यहां पर पूरी तरीके से एक सिंपल मेथड के साथ उसको पूरा जो हमारे पास सिंपल मेथड जो होता है उसी मेथड के साथ हम उसको समझेंगे. तो हम यहां पर ये देखते हैं कि अनसैचुरेटेड एयर उस एयर को बोला जाता है कि जो एयर और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सके उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड एयर. तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कैन एब्जॉर्ब वाटर वेपर, है ना. और ऐसी एयर जो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है उस एयर को हम बताएंगे क्या, सैचुरेटेड एयर. यहां पर हम राइट कर सकते हैं कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर वेपर. तो समझ में आया आपके, सैचुरेटेड एयर और हमारे पास कौन सी एयर थी, अनसैचुरेटेड एयर. अब हम उसको और अच्छे से यहां पर समझते हैं. यहां तो हमने देख लिया कि कैन एब्जॉर्ब वाटर वेपर और कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर वेपर. अब हम यहां पर कंसिडर करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, ओके एक कंटेनर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं. एक कंटेनर ड्रॉ करने के बाद इस कंटेनर के अंदर जो प्रेजेंट है हमारे पास, ये कंटेनर के अंदर बहुत ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, ओके अब एयर के मॉलिक्यूल्स है तो एयर के हमारे पास हमने बताया कि एयर क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एयर ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि वो वाटर वेपर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है. तो सिंपल हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंटेनर के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये वाटर वेपर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे. लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट रहती है उसकी, समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. जैसा फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है, इसकी कैपेसिटी जो है वो वाटर वेपर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो हमारे पास कितनी है, 100 ग्राम है. कितने ग्राम है, 100 ग्राम इसकी कैपेसिटी है. लेकिन हम इसके अंदर वाटर वेपर जो एंटर कर रहे हैं वो ओनली कितना एंटर कर रहे हैं, 75 ग्राम. कैपेसिटी कितनी थी, 100 ग्राम की कैपेसिटी ये कंटेनर की थी कि वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन हम उसके अंदर वाटर वेपर कितने एंटर कर रहे हैं, 75 ग्राम.
और ये वाटर वेपर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी जितनी उसकी भूख थी उसके हिसाब से हम उसको जो खाना दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं। बात समझ में आ रही ना, तो जितना उसको खाना दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एयर है, ये जो हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर और वाटर वेपर और हम ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप की एयर को हम क्या बताएंगे, क्या ऐसी कंडीशन में जहां पर और वाटर वेपर हमारे पास एयर एब्जॉर्ब कर सके, उस एयर को बोला जाता है क्या, अनसेचुरेटेड एयर। यानी ये जो हमारे पास एयर रहेगी वो कौन सी एयर है, अनसेचुरेटेड एयर। वैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 ग्राम उसकी कैपेसिटी है और उसको हम 100 ग्राम ही अगर देते, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम उसकी कैपेसिटी है और उसको हम 100 ग्राम ही वाटर वेपर देते हैं, तो और ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा क्या? जाहिर सी बात है कि ये और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन जहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है सैचुरेटेड एयर। क्या बताएंगे हम उसको, सैचुरेटेड एयर। तो हमने यहां पर लिखा था ना कि कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर वेपर, क्योंकि ये एयर कैसी बन गई थी, सैचुरेटेड। जितनी क्वांटिटी के अंदर उसको चाहिए था उतनी क्वांटिटी के अंदर हमने उसको वाटर वेपर दे दिया, इसलिए इस एयर को हम क्या बताएंगे, सैचुरेटेड एयर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम। अब ये होने के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, जो मेन साइड हेडिंग हमारे पास प्रेजेंट थी, वो साइड हेडिंग को हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपली समझ लेते हैं हम, यहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक कंटेनर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी अपने को पता है कि एक सर्टन कैपेसिटी होती है, और ये सर्टन कैपेसिटी एक सर्टन टेम्परेचर के ऊपर भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास कंटेनर है, इसका टेम्परेचर हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखना इसको, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये हमारे पास जो कंटेनर है ये 100 ग्राम वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है। कितने, 100 ग्राम वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन हम इसके अंदर जो वाटर वेपर एंटर कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 75 ग्राम। और एक दूसरी चीज समझ लो यहां पर कि कोई भी एयर जो हमारे पास रहती है वो कितने वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करती है वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही वाटर वेपर की कैपेसिटी भी ज्यादा होंगी। यहां पर कैपेसिटी को मैं सी से बता रहा हूं, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटी। अगर टेम्परेचर कम रहता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो इसकी कैपेसिटी भी क्या लगेगी, हमारे पास कम लगेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज ज्यादा रही तो दूसरी चीज भी हमारे पास ज्यादा ही रहती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास 100 ग्राम हमारे पास अगर वाटर वेपर अगर रहते हैं तो ये एयर हमारे पास जो कहलाती है, इस एयर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। ओके, ये एयर हमारे पास कैसी रहेगी, सैचुरेटेड एयर। लेकिन हमारे पास वाटर वेपर की क्वांटिटी जो प्रेजेंट है वो सिर्फ 75 ग्राम वाटर वेपर है, इससे ज्यादा हमारे पास वाटर वेपर इसके अंदर ऐड करने के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम वाटर वेपर तो कहीं से लेकर नहीं आ सकते। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर हमको अनसेचुरेटेड एयर, अभी यहां पर अगर हम देखें कि 75 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर वेपर है, टेम्परेचर सेम है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास एयर कैसी है, अनसेचुरेटेड एयर है। कैसी एयर रहेगी, अनसेचुरेटेड एयर। तो हमारे पास इतना तो वाटर वेपर नहीं है कि हम उसके अंदर ऐड कर सके, तो हम सिंपली एक मेथड हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये बताया कि अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है, तो हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कि हम टेम्परेचर को इतना डिक्रीज करते हैं कि अनसेचुरेटेड एयर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, सैचुरेटेड एयर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने टेम्परेचर को कम करने के बाद एक सर्टन टेम्परेचर हम बताते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, कि अगर 75 ग्राम भी अगर वाटर वेपर है तो वो सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमने टेम्परेचर को 20 से कितना कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को कितना कर दिया, 15 डिग्री सेल्सियस। यानी 20 से जो हमने 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया उसी टेम्परेचर को बोला जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।
तो हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, हमने एक सर्टेन टेम्परेचर पर क्या लिया था अनसैचुरेटेड एयर मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या लिया था 75 ग्राम हमने वाटर वेपर लिया था, तो एयर कैसी थी अनसैचुरेटेड एयर थी, ठीक है। एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, उसके टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, और टेम्परेचर इज रीच्ड एट विच द एयर बिकम्स सैचुरेटेड, तो टेम्परेचर वो कंडीशन पर आकर रुक गया जहां पर जो अनसैचुरेटेड एयर हमारे पास प्रेजेंट थी वो एयर किसके अंदर कन्वर्ट हो गई हमारे पास सैचुरेटेड एयर के अंदर, यानी जो 15 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास टेम्परेचर आ गया वो 15 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर क्या कहलाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर आ गया उसी को हम क्या बताएंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और जितना टेम्परेचर हमने कम किया कितना टेम्परेचर हमने कम किया ओनली 5 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कम किया, जो 5 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कम किया था वो कहलाया जाता है ड्यू पॉइंट, और जितने टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेटेड एयर के अंदर कन्वर्ट हो गई उस टेम्परेचर को बोला जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो यहां पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारे पास कितना था 15 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपके समझ में आ गई कि सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, हमने एक अनसैचुरेटेड एयर को एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर लिया एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, उसके टेम्परेचर को क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, और उसके टेम्परेचर को कहां तक डिक्रीज करते गए जहां पर अनसैचुरेटेड एयर कौन सी एयर में कन्वर्ट हो गई सैचुरेटेड एयर के अंदर, इसी को बोला जाता है जो हमारे पास रहेगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारे पास था कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जिसमें हम अनसैचुरेटेड एयर को सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करने के बाद। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है और ह्यूमिडिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ओके।